हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं उदयप शाहिद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उदयप शाहिद। तो आज की इस वीडियो में मैं एक मिस्ट्री बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो मिस्ट्री बॉक्स पर बनी है, दराज से लोग ऑर्डर करवाते हैं और थंबनेल भी लगाए जाते हैं मिस्ट्री बॉक्स मिस्ट्री है वो। तो मैंने भी सोचा है ऐसी एक वीडियो करनी चाहिए, तो मैंने भी दराज से एक चीज़ ऑर्डर किया है मिस्ट्री बॉक्स। ये मेरे लिए तो नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि मैंने तो देख ही ऑर्डर किया होगा कि मैं क्या ऑर्डर करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मेरे काफ़ी काम की है, मैंने इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग मंगवाया। ऐसे नहीं मैंने मंगवा लिया रिव्यू करने के लिए या अनबॉक्स करने के लिए, मुझे ये चीज़ चाहिए थी तभी मैंने इसको ऑर्डर किया। अब ओपन करने के बाद आपने डिसाइड करना कि आपको भी चाहिए। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो आप भी मंगवा सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होगी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो। मैं दिखा देता हूँ आपको पार्सल। ये है पार्सल जो मुझे दराज वालों से रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैंने इसे ऑर्डर किया था 4 दिन पहले या 4 दिन बाद मुझे रिसीव हुआ है आज। तो अभी अभी मैं इसे पिक करके आ रहा हूँ, तो ओपन करते हैं इसको, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस, ये मेरे पास बॉक्स है दराज की तरफ से जो पैकिंग में आया है, तो इस पैकिंग को ओपन कर लेते हैं। आई थिंक मुझे अपने दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी इसे ओपन करने के लिए, बिकॉज़ एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं इसे ओपन करना थोड़ा मुश्किल समझ रहा हूँ। आई थिंक इसकी ओपनिंग यहाँ से होगी एक सब की। यहाँ पे टेप आई थिंक लगी हुई है, टेप टाइप। ये इसका QR कोड है, इसे हम ऑर्डर के इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा, अभी भी ओपन नहीं हुआ। इसने ओपन यहाँ से होना है, ये एग्जैक्टली ये जगह से ओपन होगा। इस पर टेप्स लगी हुई हैं, इसे फाड़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे ओपन नहीं हो रहा। चले मैं वीडियो अभी पॉज कर देता हूँ, इसे खोल के फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोबारा, बिकॉज एक हाथ से खोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसको। तो गाइस, मैंने इसे ऑलमोस्ट ओपन कर दिया है, अब मेरे लिए काफ़ी इजी होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया दराज से। तो गाइज़, ये एक इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल है जिससे आप अपनी अपने फूड को इसका वेट जो है आप देख सकते हैं कि आप अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपको पता होगा हमें कैलकुलेटेड कैलोरीज़ लेनी होती हैं, कैलकुलेटेड प्रोटीन कार्ब्स और फैट जो है कंज्यूम करने होते हैं। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिए मंगवाया है। अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं कि इसका जो है किस तरह का है। ये आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी जो है पीछे लिखी हुई है कि ये मैक्सिमम कितना जो है वो वेट कर सकता है कैलकुलेट। ये कुछ इसके फीचर्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये इसकी पिक्चर है। और अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, इसे बॉक्स से निकाल के देख लेते हैं कि हमें अंदर कैसा देखने को मिल जाता है। होपफुली ये जैसा पिक्चर में दिखाया गया है एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो ये हमने अपना पार्सल ओपन कर लिया था गाइस, वाओ, काफ़ी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे पिक्चर में देख के ऑर्डर किया था। और ये हम इसे अनरैप कर लेते हैं, ये पर्पल्स रैप, आई लव दिस। अगर आपको भी ये आवाज़ पसंद है और ऐसा करना पसंद है तो लाइक मारो वीडियो पर। चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा स्केल है जिसे हम अपना फूड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेन प्रोडक्ट है, ये इसका वो जहाँ पे हम चीज़ रखेंगे। और ये दो सेल्स इन्होंने हमें साथ दिए हैं क्योंकि ये पावर इसकी सेल्स से यानी कि चलेगा, तो ये दो सेल्स भी इन्होंने साथ हमें दिए हैं। तो ये सेल्स इसके अंदर डालते हैं और इसको चला के देखते हैं। इसके साथ कुछ मैनुअल भी दिया इन्होंने एक हमें, यानी कि हाँ कुछ मैनुअल्स हैं इस चीज़ के, इस मशीन के। तो इसको छोड़ते हैं साइड पे, रखते हैं इसको और अपनी डिवाइस को जो है वो ऑन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे इसके सेल पोर्शन है, यहाँ पे सेल डालेंगे। एक हाथ से काम करना है बहुत मुश्किल है। तो सेल्स डाल देते हैं अपने इसमें। तो वैसे देख सकते हैं आप, ये मशीन वेट देना शुरू करती है। अभी वेट नेगेटिव में है, कुछ इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी हमें। आई डोंट नो कि इसे यूज़ कैसे करना है,
मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो हाँ ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वेट रखेंगे, मैं अपने जैसे कि हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो गाइस देख सकते हैं आप ये अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आप वर्कआउट करते हैं और आपको अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैलकुलेट करना है ठीक से, तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी चीप है, अगर प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस है जस्ट 550 रुपीज़। तो प्राइस वर्दी है, ये महंगी चीज़ नहीं है, ठीक है, आपकी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको सही मिल रही है। एक काफ़ी लाइट सा प्रोडक्ट है, छोटा सा, कोई ज़्यादा हैवी या कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, इजी टू यूज़ है और काफ़ी सस्ता भी है। तो यस, आज की वीडियो बस यहाँ तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर दो। अगर किसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखना चाहते हो तो यार कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँ वीडियोज़ में और उसका रिव्यू भी दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।